संगत कह रही है कि 2024 तक का समान है। मैं संगत के चरणों में एक बेनती करदा कि गुरु नानक साहब जी महाराज ने 550 साल तो अपने लंगर चलते आ रहे हैं, होर किन्ना चिर चलने ने यह भी गुरु नानक साहब महाराज को पता, कोई घाट नहीं। इस करके इन्होंने तो पहला उरे भुख हड़ताल देखिया थी, आज सरदार रजे हुए तो पहली बार आए ने दिल्ली, जिन्होंने अपनी संगत तो रजाउनी और रजाउनी थी, आला दला भी रजाता सारा। इस संघर्ष नूं इन्हां ने करना तो बदनाम सी, हो गया उल्ट, पंजाब और हरियाणा एक हो गए दोए। इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी नूं बुलाया, ये सारा इकट्ठ नूं दिखाया, दिखा के कहते भी इहदा हल की करिए। चीफ ऑफ आर्मी इन्हां नूं कह के गया कि मैं चीन के बार्डर से लड़ सकदा, पाकिस्तान के बार्डर से लड़ सकदा, ये अपने हकों लई लड़ रहे ने, साडे ही भैण भरा ने, इन्हां नूं असी बिल्कुल भी फौज कहिंदी असी कुछ नहीं कहना इन्हां नूं। जे साडा मुंडा करनल लग्या होया उहदे बाप नूं इह घड़ीसी फिरनगे उरे, उह बख्शूगे इन्हां नूं। एक बेनती है थोड़ी जी, उह इह है कि शहादत दे दिन चल रहे ने, छोटे छोटे बच्चे नीहां च चिणे गए, बाबा अजीत सिंह ते जुझार सिंह चमकौर की गढ़ी च लड़े, उन्हां वास्ते एक उन्हां नूं बेनती है हाथ जोड़ के भी डैक उची ला के यार भंगड़े ना पाया करो, वो ठीक नहीं है इन्हां दिनां च। एक तरीक नूं पावांगे मैं भी लगूँ फिर थोड़े नाल नवें साल च। आ जिहड़े फोन चला लैंदे ने, चला के देखो गूगल ते सर्च करके, उत्थे तुसीं कह दो भी दुनिया का सब तो बेवकूफ प्रधानमंत्री कहड़ा, मोदी जदे निकले आउंदा टोपी लैके। नहिंग सिंह बैठे ने घोड़ियां ते गतका खेलदियां नूं देख के डरी जांदे ने। तुहानूं नवीं गल सुणाउणा, नहिंग सिंघां ने इत्थे जा घुमाए ना बरछे बुरछे, आ के अपना खेले गतका, दो बेहोश हो गए नाले मारिया किसी दिन, वह खंडा खड़कदा देख के ही उन्हां दा आपस च। आ जिहड़े कशहरे उरे सुकणे पाए होए ने, नरेंद्र मोदी तेरियां कंधां ते पा देणे ने असीं आ के, शहादत दा साडे खून च है, किन्ने क मार लेंगे उह, ठीक है नहीं, बंदे दे पुत बन के कानून वापस ले लो, नहीं असीं आई समझो इधर नूं, हुण बहुती देर नहीं, साडा भी सबर दा प्याला भर गया, आ तेरे बैरीगेट जे तां लभणे नहीं, इह तां असीं फटवाल मां घड़ा देणे ने, फिर देखेंगे वाला दाला। इस करके जथेबंदियां नूं बेनती करदा मैं कि आपस दे विच एकता बना के इन्हां नूं अल्टीमेटम दो, आही कशहरे जाके आपां लोक सभा च सकाईए, यार इन्हां दे प्यो दी आ, अपने ही पैसे दी बनी हुई आ। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग साध संगत, पांच सत गल्लां ही करनियां ने थोड़े नाल, बाकी जिहड़े खेतीबाड़ी वाले इन्होंने काले कानून बनाए ने वो तो आपां नूं सारियां नूं पता लगे गया। पहली बार ये हो रहा है कि इस देश दे विच नौजवान, किसान, मजदूर, फौजी भरा सारे का सारा देश संघर्ष कर रहा है, संघर्ष भी अपने जीवन वास्ते कर रहा है, जीवन वास्ते। किड्डी माड़ी किस्मत है इस देश की जिन्होंने प्रधानमंत्री नूं चुनिया। हुण भी देखो तुसी, अज कै दिन हो गए संगत नूं इत्थे डटी हुई नूं, वो ये समझदा इन्ना हंकार दिखा रहा है कि शायद मैं इन्हां नूं तोड़ दूँ। नरेंद्र मोदी तैनूं असी ये गल दस दिंदे हैं कि असी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे सिख हैं, ना असी झुकण वाले हैं, ना डरन वाले हैं, तो ना भुखे मरन वाले हैं, ये तैनूं इत्थों स्पष्ट दस दिए। संगत कह रही है कि 2024 तक का समान है। मैं संगत दे चरणों में एक बेनती करदा कि गुरु नानक साहब जी महाराज ने 550 साल तो अपने लंगर चलते आ रहे हैं, होर किन्ना चिर चलने ने यह भी गुरु नानक साहब महाराज को पता, कोई घाट नहीं। इस करके इन्होंने तो पहला उरे भुख हड़ताल देखिया थी, आज सरदार रजे हुए तो पहली बार आए ने दिल्ली, जिन्होंने अपनी संगत तो रजाउनी और रजाउनी थी, आला दला भी रजाता सारा। इस संघर्ष ने इस देश की राजनीति बदलनी है, और पंजाब के सिख सरदार, हरियाणे के सिख सरदार इस गल की लीड कर रहे हैं। पहला पंजाब तुरिया, फिर हरियाणा भाई तुरिया साडा, हरियाणे ना कोई मसला ही नहीं रहा। आ देखो जाके हरियाणे वालियां नूं पुछ के, वह कहिंदे सानू नहीं पानी चाहिए एस वाई एल का, असी कहने असी देण नूं तैयार हैं, जे लोड़ है दसो।
इस करके अपा पंजाब और हरियाणा इको कर लेना है, यह लड़ाई नहीं इन्हां नाल रहन देनी। ये तो जड़िया लड़ाइया पवाउंदे ने, जड़िया लड़ाइया पवाउंदे ने ना एक दूए ना, वह इस करके पवाउंदे ने भी इन्हां दियां वोटां ने जड़िया वह पक्कियां हो जाण। इस संघर्ष नूं इन्हां ने करना तो बदनाम सी, हो गया उल्ट, पंजाब और हरियाणा एक हो गए दोए, ये गल बिल्कुल साफ हो गई। देखो लंगर चलते भैणा भाइयां वांग आपां सारे रह रहे हैं। नरेंद्र मोदी नूं ये काले कानून जिहड़े बनाए ने रद्द करने ही करने पैने ने। उहदा हुण देखो मैं तुहानूं अज्ज इक नवीं गल दसदा, इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी नूं बुलाया, ये सारा इकट्ठ उहनूं दिखाया, दिखा के कहिंदे वी इहदा हल की करिए। चीफ ऑफ आर्मी इन्हां नूं कह के गया कि मैं चीन के बार्डर से लड़ सकदा, पाकिस्तान के बार्डर से लड़ सकदा, ये अपने हकों लड़ रहे हैं, साढ़े ही भैन भरा ने, इन्हों असी बिल्कुल भी फौज कहती असी कुछ नहीं कहना इन्हों। बहुत बड़ी घमेर सी, बहुत बड़ी घमेर सी। इन्हों नहीं पता भी फौज भी तो साढ़े ही बच्चे ने, साढ़े किसान के, साढ़े मजदूर के, जे साडा मुंडा करनल लग्या होया है उहदे बाप नूं इह घड़ीसी फिरनगे उरे, उह बख्शूगे इहनां नूं? इह सारे भुलेखे इहनां दे दूर हो गए। बिल्कुल शांतमई धरना अपना, और इस शांतमई धरने दे नाल ही इहनां दी जिहड़ी गर्दन च कीला अड़िया होया सी ना, उह कढ के जाणा आपां पंजाबियां ने और सारिआं ने रल के हरियाणे वालिआं ने। इक मेरी बेनती सी नौजवानां नूं, देखो नौजवानां वीरां नूं मेरी हथ बन के बेनती है कि तुहाडे ते माण है सानूं। पहला देखो नौजवानों बारे की गीत चलते सी, हुण गाउणे वाले भी कह रहे ने ना, वाह नहीं जवानी है तू जिंदाबाद है। एक बेनती है थोड़ी जी, वो ये है कि शहादत के दिन चल रहे ने, छोटे छोटे बच्चे नीहां च चिणे गए, बाबा अजीत सिंह ते जुझार सिंह चमकौर की गढ़ी च लड़े, उन्हां वास्ते एक उन्हां नूं बेनती है हाथ जोड़ के भी डैक उची ला के यार भंगड़े ना पाया करो, वो ठीक नहीं है इन्हां दिनां च। 1 तरीक नूं पावांगे मैं भी लगूँ फिर थोड़े नाल नवें साल च, ठीक है। आ 31 तरीक तक आपां शांति बना के रखीए, ये सारिआं नूं बेनती है। एक मेरी जिहड़े घरां च वीर बैठे ने उहनां नूं बेनती है कि आओ, फिर तुसीं पछताउणा भी असीं पछड़ गए। ये कानून लिख रहे ने आ साडे बजुर्ग नौजवान, इतिहास लिख रहे ने इतिहास, इन्हां सारे जिहड़े इत्थे हाजरियां भर रहे ने, जदों इतिहास लिखिया जाणा इन्हां दा सारिआं दा नौ सुनहरी अखरां च लिखिया जाना। जिहड़े पंजाब च बैठे हो आ जाओ, जंग हिंद और पंजाब दी हुण हो रही है, हुण लोड़ आ अज तुहाडी सारिआं दी, सारे सिखां दी, सारिआं बरादरीआं दी, मार सारिआं नूं पैणी है। बख्शिया इन्हां ने आपदा भाईचारा भी नहीं, चाहे व्यापारी है चाहे कोई आ, सारे रगड़दणे ने जिहड़ां दी इसे तरह चलती रही। इस तों बाद भीरो एक आपां अंदोलन EVM दे खिलाफ भी, ये जितण तों बाद EVM दे खिलाफ भी खड़े होईए, नहीं तां यार इकणे जित जिया करनगे। जद आपां वोट पाउने किसे नूं आ, जांदी किसे नूं आ, इहदे खिलाफ भी आपां लड़ना। एक मेरी बेनती जथेबंदियां नूं आ, जथेबंदियां नूं ये बेनती है कि ये जिहड़ा संघर्ष है ये निरोल किसानी का संघर्ष है, उरे आपां राजनीति करके इस संघर्ष नूं खराब ना करिए। आपां चढ़दी कला वाले नूं लैके जाणा, जित के जाणा। उधरले पासे टिकरी बार्डर ते मैं गया सी, उदण असीं देख के आए जिहड़े जेलां च नज़रबंद करे होए ने बंदे, जिहड़े किसे कारना करके ने कोई एक्ट लगे होए ने, आपां सानूं तां पता नहीं सी उस गल दा, उहनां दीआं उत्थे बड़े बड़े बैनर लाई बैठे ने, उह वी यार गलत है। जे लाउणे ने सारिआं दे लाओ, अपने सिख नज़रबंद किन्ने ने उरे जेलां च बंद करे हुए, और जिहड़े ओह ने जिहड़े अपनियां सजावां पूरियां कट चुके ने, आपां नूं जे लाउणे ने सलाह करके मीटिंग करके अपना आपां मंग सकदे आ रिहाई उहनां दी। अकाल तख्त साहब दा जथेदार सिंह साहब भाई जगतार सिंह हवारा सरबत खालसे ने चुने है, सरबत खालसे ने उहनूं जथेदार चुने है, वह भी उरे जेल च बंद है। फिर सारिआं दी करो पक्षपात वाली गल ना करो, जा नरोल इहनूं किसानी दा ही आपां रखीए। इस करके जथेबंदियां नूं मेरे ये सुझाव सी। बाकी नौजवान वीरां नूं बेनती है कि तुहाडे ते बड़ा माण है, सारे वर्ल्ड दे विच अज तुसीं जाके देखो 206 देशां च प्रोटेस्ट हो गया। कल दी मैं तुहानूं गल दसदा, मैनूं मॉरिशस देश है उरे, उत्थे इक्को सिख नौजवान प्रोटेस्ट करके आया, वह कहिंदा उरे है नहीं बहुते आपां, उस शहर च जिथे इन्हां दी वैसी है
असी देखिया फोन पर उन्हें सानू बेचारे ने लाइव होकर दिखाया वो कल्ला ही काला झंडा लेके उन्होंने करके आया बसोई पई इन्हां दी चीकां निकलियां पईयां ने दिल्ली तो किसी देश च जाण जोगे नहीं रहे सारे वर्ल्ड चो बदनाम हो गया प्रधानमंत्री आ जिहड़े फोन चला लैंदे ने चला के देखो गूगल ते सर्च करके उत्थे तुसीं कह दो भी दुनिया का सब तो बेवकूफ प्रधानमंत्री किहड़ा मोदी जदे निकले आउंदा टोपी लैके कहण दी भी लोड़ नहीं पैंदी किसे नूं देश का बेड़ा गर्क करता इन्हां ने देश जिहड़ा हैगा अज ये लोग सारे बंदे गल कह रहे हैं भी इन्हां नूं तां यार अंग्रेजां दा राज चंगा सी सारे बजुर्ग इत्थे असीं रोज़ मिलदे हां इस करके इन्हां तों आपां नूं बचण दी लोड़ है इन्हां तों आपां बच बचा के किसे तरीके नाल वधिया तरीके नाल अपना जिहड़ा खेतीबाड़ी का मॉडल है वह नवां सारीए पंजाब तां आपदी होंद की लड़ाई लड़ रहा है सब तो वध आ जिहड़ी तुहाडी चढ़दी कला ना जिहड़ा आपां जकारा लाउंदे आ उह बजदा इन्हां दी हिक्क च ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਘੁਮਾਏ ਨਾ ਮਰਛੇ ਬੁਰਛੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖੇਲੇ ਗੱਤਕਾ ਦੋ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੰਡਾ ਖੜਕਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਆ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਲੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਤ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਪਸ਼ਟ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਉਰੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੜੀਏ ਚੱਲ ਕੇ ਉਰੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣ ਥੋੜ੍ਹੋ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲਾਈਏ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਉਰੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰ ਲੇਂਗੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਈ ਸਮਝੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰ ਗਿਆ ਆਹ ਤੇਰੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਜੇ ਤਾਂ ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਟਵਾਲ ਵਾਂਗ ਅੜਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਯਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਜੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਾਂ ਸਹੀ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਯਾਰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਊਂ ਹੀ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ ਲੜ ਲੈਣਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਬਥੇਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿਓ ਆਹੀ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸਕਾਈਏ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਆਹੀ ਸਮਝ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਫੌਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਚੱਲਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਤਤਪਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੋ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਜੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਨਾਲੇ ਲੈ ਜੂ ਸਮੁੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਈਏ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ
जिन्ने उरे पक्के बैठे ने उन्हां दा भी धन्नवाद, नहीं जिहड़े अपने रिश्तेदार सके संबंधी ने उन्हां नूं भी सारिआं नूं बेनती करिए कि उरे आओ, संघर्ष नूं आपां बुलंदियां वल लैके जाइए और इस संघर्ष नूं जित्तीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिख धर्म की हर गतिविधि अते गुरबाणी वास्ते हुणे सबसक्राइब करो गुरबाणी अखंड बाणी, अते नोटिफिकेशन वास्ते बैल नूं रिंग करो।